मुल्तान के हदूद में दरिया चनाब में सैलाब है। तरीबों के मकाम पर 1,60,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला। कासिम बेला में पत्थरों वाला पंड टूट गया। दर्जनों आबादियां बीट का इलाका जरियाब आ गए। बिजली बंद। हजारों एकड़ पर खड़ी गन्ने जवार और सब्जियों की फसलें तबाह हो गईं। लाइव स्टॉक और आबादी की बड़ी तादाद में इंखला मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरीन परेशान। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रैला आइंदा 24 घंटे तक जिला मुल्तान से गुजरता रहेगा। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रंगपुर बहरामपुर नशेबी इलाकों के 7 देहात मुकम्मल जरियाब। मुजफ्फरगढ़ किनाल को बंद कर दिया गया। फसलें दरिया बुर्द हो गईं। सुपरबंद को नुकसान। नादरा का दफ्तर पानी में डूब गया। मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। स्कूल मुकम्मल पानी में डूब गए। लोग अपनी मददाम के तहत नकल मकानी पर मजबूर। इमदादी कैंप न लगने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले रहने लगे। मकीनों का मुतलका इदारों से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। चेयरमैन अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती मुतासर इलाकों में जायजा लेने पहुंच गए। कहते हैं हुकूमत अभी तक इस मसले को संजीदा नहीं ले रही। सैलाब से मजीद तबाही हो सकती है। वज़ीर आला नोटिस ले। डीजी खान गाजी घाट के मकाम पर सैलाब। दरिया सिंध ने बीट में तबाही मचा दी। तौसा के मकाम पर पानी की सतह 3,54,000 क्यूसिक हो गई। मकीनों का साजो सामान पानी में बह गया। हजारों अफराद घरों में महसूस। सुखेरा रायंगा में मकान मुनहदम। जमीनी दाबता मुनकता। खुराक की किल्लत। मकीन इम्तदाद के मुंतजिर। आइंदा 72 घंटों में मजीद पानी आएगा। दरिया सिंध बराज में चश्मा बराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मियांवाली में तमाम झीलें पानी से भर गईं। जिला इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट। मौजा मोहम्मद शरीफ वाला और मौजा हिंदवाला धूपसड़ी में दो ही फांसी बंद टूट गए। कच्चा गुजरात कच्चा कालू अलोवाली के नशेबी इलाके दरियाई कटाव से मुतासर। रिहायशियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। खुशाब में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया जहलम में पानी की सतह बुलंद होने से निचले दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात दरियाब। राबिता मुनकता। घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। फसलें तबाह। मकीन घरों में महसूर। पानी शहर खामोशा में दाखिल। कब्रें मुनहदम होने लगीं। अलीपुर हेड पंजनद के मकाम पर दरिया चनाब में 1,12,000 क्यूसिक पानी की आमद। नशेबी इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब आने के खतरात बढ़ गए। अजमतपुर मखन बेला सैदपुर कंदाई के इलाकों में फ्लड वार्निंग। नशेबी इलाकों के से रिहायशियों का फौरी इंसलाह करने का हुक्म। मसाजिद में ऐलान। महकमा इरीगेशन ने फ्लड कैंप लगा लिए। दरियाए सिंध तौसा के बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटद्दू में 8 से जायद मुआजात जेरियाब आ गए। जमीनी दाबता मुनकता। मुतासरीन अपनी मददाफ नकल मकानी शुरू करने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। लैया दरिया सिंध में तोहयानी कोट सुल्तान के मौजा खोखरवाला शाहवाला के मकाम पर फसलों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। शाहवाला के मकाम पर आरजी बन टूट गया। मुतादिद मुआजात जरियाब। तिल कवाद समेत मुख्तलिफ फसलें तबाह। मकीनों को करोड़ों का नुकसान। इमदाद के लिए तहाल को इकदाम ना किए जा सके। मुतासरीन का इंतजामिया और मेंबरान असेंबली के खिलाफ शदीद रद्द अमल। बक्कर के भिलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से पानी के जखीरा और डैम्स भी भर गए। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया सिंध में बक्कर के मकाम पर 3,00,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला। पीडीएमए की जानिब से फ्लड वार्निंग। जिले भर में 116 रिलीफ कैंप कायम किए गए। इंतजाम मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने मुतलका महकमों की छुट्टियां मंसूख कर दी। सखी सरवर और कोहे सुलेमान में हालिया बारिशें। नदी नालों ने गरीबों को बेसहारा कर दिया। मुतादिद मकानात तबाह। बेशतर की चार दीवारी गिर गई। गरीब लोग झोंपड़ियों में रिहायश पसीर। कोई हाल अहवाल पूछने ना पहुंचा। मुतासरीन का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा। कबीरवाला दरिया चनाब फाजिल शाह के मकाम पर 2,00,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला। मुतादिद मौजाजात मुतासर। कपास की खड़ी फसलें तबाह। बागात भी जरियाब आ गए। रेस्क्यू की जानिब से सैकड़ों अफराद मुतासर।
फ्लोरकोट में बारिश के बाद रिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, 4,04,723 क्यूसिक आमद और 4,03,23 क्यूसिक पानी का अखराज रिकॉर्ड किया गया। दरिया किनारे आबाद मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की वार्निंग दे दी गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों के हवाले से रेस्क्यू 1122 ने अलर्ट जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला का शहरियों को बारिशों में एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा, बोले शहरी बारिश में कच्चे और बोसीदा मकानात के अंदर न रहे। हालिया बारिशों के बाद कपास के फसल को नुकसान, महकमा ज़राअत मुल्तान ने सर्वे शुरू कर दिया। 53 टीमें डीजी खान कौंसर कोट छुट्टा में कपास फसल का सर्वे करने लगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी आबिद हुसैन का कहना है, सफेद मक्खी से कपास के फसल को नुकसान कम पहुंचा है। बहावलपुर में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, मुतादिद इलाकों में दूसरे रोज भी बाढ़ की पानी ना निकाला जा सका। मॉडल सब्जी मंडी गंदगी और साफुन की अमादगा बन गई। इलाका मकीनों का पैदल गुजरना महाल हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट हुकाम का कहना है, परचून फरोश तआवुन नहीं करते जिससे सफाई में ताखीर होती है। सरगोधा में एफएस ड्रेन की सफाई चैलेंज बन गई। कमिश्नर डॉक्टर फरवा मसूद के अहकाम के बावजूद भल सफाई शुरू ना हो सकी, मुजाफाती इलाकों को नुकसान। कमिश्नर ने महकमा ड्रेन की नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन की सरजनिश करते हुए भल सफाई के अहकाम जारी किए थे। मुल्तान कचहरी मालखाने का खजाना किसके पास जाएगा? मामला जूं का तून, तारीखी हैसियत की बिना पर नवादरात को महकमा तारे कदीमा की तहवील में देने की तजवीज पेशरफ ना हो सकी, इंतजामिया मौकफ देने से इंकारी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की जानिब एक और कदम, जिला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 427 से ज्यादा असामियों की मंजूरी दे दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से 756 मिलियन के फंड जारी कर दिए गए। महकमा एग्रीकल्चर, सेहत, तालीम, माल, होम डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों में भर्तियां की जाएंगी। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त, नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब बहावलपुर पहुंच गए। साकिब अली अतील ने ज़राअत के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से ब्रीफिंग ली, बोले लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के शहर में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ताहिर फारूक इन एक्शन। इजलास में हल्का बंदियों और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजी खान में 1231 मंसूबों पर 40,36,80,00,000 रुपये का तखमीना लगाया गया। नवाबों के शहर में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। बहावलपुर को कराची मोड़वे से मुंसलिक करने का फैसला। मकामी अरकीन असम्बली ने 40 किलोमीटर लंबी दो रोया रोड बनाने की समरी वज़ीर आला को पेश कर दी। 67 करोड़ रुपये की लागत से दो रोया रोड बने। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खबर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से मुल्तान समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों के लिए समाही बजट जारी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 3,83,62,50,000 की रकम जारी कर दी गई। मुल्तान, डीजे खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, खानेमाल और दीगर के लिए फंड जारी किए गए।